हर महादेव गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। हमारे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मम्मी और नीतू दोनों ही सीख रही हैं मेहंदी लगाना। और अभी क्या है कि मार्केट में नई नई कांटे आने लगी हैं, जो चारपाई होती है तो आजकल कोई भी नहीं बनाता है, लेकिन हमारी मम्मी अभी तक नहीं भूली हैं। आज उन्होंने एक चारपाई भी बनाई है जो कि अभी बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, कोई बनाता ही नहीं है। तो उसे कहते हैं कि आता ही ना हो, आते हुए भी आजकल कोई नहीं बनाता है, सब लोग बाहर से ही ज़्यादातर तो बैड ही लेके आते हैं। तो मम्मी ने चारपाई बनाई है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगाना सीख रही हूँ, लगाने गई हूँ। देखो तो आज मम्मी मोबाइल में से देख देख के सीख रही हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं सब काम जानती हूँ लेकिन मेहंदी नहीं जानती हूँ। मैं मेहंदी लगाना सीखूंगी। ये वाली बिल्कुल सेम पर लेकर मुझे लगाना ना रहा। देखो मैंने नीतू के हाथ पे ऐसे लगा के देखिए, बड़ी मुश्किल से लग पाई है। पर ये मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं 15 दिन में मेहंदी लगाना बिल्कुल सीख जाऊंगी। घर का काम करती है तो अच्छा है ना, सीख जाओगी तो। मैं भी सीख रहा हूँ, पार्लर से मतलब नहीं है, मेरा बहुत मन है। पार्लर तो एक अलग चीज है, पर वो 2-3 दिन से इतना शौक लगाओ कि मैं मेहंदी लगाओ सीखू। गाइस अभी तो मुझे ये ठीक से पकड़ हो भी ना रहो, कभी ऐसे ही कभी ऐसे वैसे ऐसे पकड़नी चाहिए पैर दर्द है ऐसे मुंह पे चला रहो ना। तो मम्मी अभी दोपहर में आई थी वहाँ नाना के, वहाँ गई थी नाना को देखने के लिए। तो नाना की कैसी है तबीयत अभी? नाना जी की तबीयत अभी ऐसी है, ज्यादा खास अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ऑपरेशन की वजह से, तो उन्हें सांस नहीं ले रही, उन्हें परेशानी है, सांस नहीं लेती है, पूरी सांस ले करके ऐसे बैठे रहते हैं। थोड़ी बहुत कुछ खाते हैं, ज्यादा खा नहीं पाते हैं, लेट के सो नहीं पाते हैं, ऐसे दुबला सो ऐसे। एजड हो गए? इतने भी एज नहीं है, तो रॉकी इतनी एज नहीं है, 65-70 साल है बस। और क्या लगते तो ज्यादा के ऑपरेशन है ना, मतलब कितने ऑपरेशन है। मैं पहले गई थी तो यहाँ से है मम्मी, मैंने देखा था फिर यहाँ से मैंने कई बार पहले भी देखा, फिर अभी फिलहाल में 2 ऑपरेशन हो गए। अभी 80 साल की नहीं है पापा, तो और गाय सभी से ये बांस वाले कीड़े आने लग गए, पिन्नू को बहुत परेशान कर रहे हैं। पिन्नू कमेंट करके बताना मम्मी कैसे मेहंदी लगाना सीखे। तभी हम दिखा देंगे आपको, तो वैसे मेरी आंख वीक हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि भगवान मुझे मेहंदी लगाना आ जाए, मेरा मन है। आधी हो पाई है वो, पूरी हो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं गांव से आई थी, फिर मैं दुकान गई, दुकान से आके मेरे कस्टमर बहुत परेशान थे, उनके कपड़े दिए मैंने, तो फिर मैंने दीदी की खाट भी बनाई, अब मैं कल पूरी करूंगी। उम्र आए इसको बहुत गर्मी लगती है, कब आएंगी बुआ आएंगी? छोटी और तो गाय से अभी अभी उबारा हुआ है, वैसे तो आ रही दीदी आएगी मेहंदी ये। हाँ मैंने बेटा सारी चीजें बोल लेता है, चाहे आदि बोले लेकिन बोलता जरूर है। कपड़े पहना दो अभी से, अपने चाचू के साथ ना के आया है थोड़ी देर पहले। अच्छी तो नहीं है लेकिन मैं अभी सीख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी आई है, ज्यादा नहीं आई है। अभी पहली बार की है ना, अभी तो वो सफाई नहीं देती है, ये नमूना दिखा है, नमूना दिखा है, ऐसे नमूना बना है। तो सॉरी गाइस, अभी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है, लेकिन एक ना एक दिन मैं आपको जरूर सीख के दिखा दूंगी। मैं भी सीखूंगी मम्मी के साथ, मम्मी मेरे लगाएंगी, मैं मम्मी के हाथ में, मम्मी ने आज मेरे लगाएंगे, कल मम्मी के हाथ में लगा दूंगी। साहू और मम्मी ने बुनी थी खाट और वो कर दी है पहले से खराब, कम से कम 2 बार तो उधेड़ ली। अभी नहीं हो रही, नहीं बने कैसे ही बने, खाली ले रही। साहू कह रहे हैं कि मेरी तरह बनाओ, मम्मी कह रही है मेरी तरह। अरे मां जा के बहुत मम्मी को भी बनाई है कि भैंस ही लग रही हैं तुम? मेरे हिसाब से ताऊ पहले पूरी में जो डरते हैं, जब डरते हैं वो मम्मी पे तो बन नहीं पा रही है। खींच 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 बना।
डिब्बू बना रहा है, कहाँ बना रहा है? खाट, खाट बना रहा है, बना डिब्बू। मैं कहूँ जब खेची हो है, कल से लग रही है, अभी तक तो बनी नहीं है पूरी खाट। इसमें एक घटाना बढ़ाना होता क्या है? तीन उठाने, तीन डालने। बताओ यहाँ पे अदमान लगा रहे हैं तो ये लहर वाली बनी है। लहर बना रही, राजमान बना रही, बारह मास बना रही। तो गाइस देखना हमारी खाट कैसी बनी है, और कमेंट करके बताना अच्छी लगी है कैसी लगी है। वैसे बांध पुरानो है और अब देव हो गए तो नए बांध की बनाते नहीं है, इसलिए हमने दूसरी खाट यहाँ पर चूल्हे पर खाना बना रही है मौसी। सब्जी में ना बना रही कछू?